तुलजा गुफाओं का समूह महाराष्ट्र स्थित चुन्नार से 5 किलोमीटर पश्चिम में तुलजाबाई पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ कुल 11 गुफाओं का निर्माण किया गया है, जिनका निर्माण काल ईसा पूर्व पहली शताब्दी का है। चट्टानों के मध्य भाग में स्थित इन गुफाओं तक सीधी चढ़ाई से होकर पहुंचा जा सकता है। जगह जगह बिखरे पत्थर व सीढ़ियों का न होना इस चढ़ाई को दुश्वार बनाता है। गुफाओं तक पहुंचने के मार्ग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है 2100 वर्ष पुरानी ये बौद्ध विरासत उपेक्षा का शिकार है। इसे सहेजे जाने का अब तक कोई प्रयास यहाँ दिखाई नहीं देता। यहाँ बनाई गई गुफाएं क्रमवार स्थित हैं, जिनका अगला हिस्सा उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। बौद्ध गुफाओं के हिसाब से जुन्नार एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र में अब तक 200 से अधिक गुफाओं का उत्खनन कार्य किया जा चुका है, जबकि अन्य गुफाओं की खोज किया जाना बाकी है। गुफा 2 में स्तूप के चारों ओर 12 अष्टकोणीय स्तंभों से घिरा गोलाकार चैत्य ग्रह है, जिसके मध्य में स्तूप का निर्माण किया गया है। इसके ऊपर की छत गोल गुंबद नुमा है, जिसकी दीवारों पर नष्ट हो चुके भित्ति चित्रों के अवशेषों को देखा जा सकता है। अन्य बौद्ध गुफाओं से इसकी तुलना करने पर इसका चैत्य ग्रह आकार में छोटा प्रतीत होता है। बौद्ध गुफाओं के निर्माण व विकास की शुरुआत ईसा पूर्व 3री शताब्दी से हुई, जिसका श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। सम्राट अशोक के काल में बिहार में स्थित बराबर गुफाओं का निर्माण सर्वप्रथम हुआ, जिसका कालखंड ईसा पूर्व 3री शताब्दी का है। पूरे भारत में अब तक 2000 के करीब ज्ञात बौद्ध गुफाएँ हैं, जिनमें 1500 गुफाएँ महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। तीसरे नंबर की गुफा एक विहार है, जिसमें बाहरी हिस्से पर एक खुला बरामदा है। दाईं ओर एक कक्ष है। विहार की पिछली दीवार से अंदर की ओर 2 अन्य कक्ष बनाए गए हैं। इस गुफा को अब हिंदू देवी तुलजा भवानी के मंदिर में बदल दिया गया है, जो कई सारे सवालों को जन्म देता है। इन प्राचीन बौद्ध स्मारकों के अस्तित्व में बदलाव या फिर इनसे छेड़छाड़ किया जाना किस तरह से उचित है, इन्हें संरक्षित व सुरक्षित रखने के लिए
आवश्यक कदम उठाए जाने की सख्त जरूरत है। चार नंबर की गुफा एक विहार है जिसके भीतर का भाग सादा है। इसके अंदर किसी भी प्रकार के कक्ष का निर्माण देखने को नहीं मिलता। गुफाओं के निचले भाग में सीढ़ियों के समीप जल कुंड का निर्माण किया गया है, जहां मौजूद मधुमक्खियों के झुंड ने वहां पहुंचने के हमारे किसी भी प्रयास को विफल कर दिया। जुन्नार का प्राचीन नाम जिमा नगर था, जो उस समय शक राजा नहपान के क्षेत्र में था। यह नगर पहली शताब्दी ईसा पूर्व के समय का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, जो सातवाहन वंश की राजधानी पैठण से अरब सागर के समृद्ध बंदरगाहों तक जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। यह मार्ग मध्य पूर्व और रोमन साम्राज्य में वस्त्रों के व्यापार के लिए उपयोग में लाया जाता था, जिस कारण प्राचीन यूनानी और मध्य पूर्व के व्यापारी अक्सर इस मार्ग से यात्रा करते थे। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में व्यापारियों द्वारा बौद्ध धर्म के प्रसार स्वरूप इन व्यापारिक मार्गों पर बौद्ध गुफाओं, विहारों, मठों आदि का निर्माण किया गया था। अधिकतर स्मारकों में उपस्थित शिलालेखों पर व्यापारियों द्वारा दिए गए दान के उल्लेख से इस बात की पुष्टि होती है। इतिहास को खंगालने हम जब भी इन बौद्ध स्मारकों की ओर लौटते हैं, तब ऐसा विस्मित कर देने वाला नज़ारा देखकर यह सवाल बार बार उठता है, आखिर किस तरह इन विशाल चट्टानों को तराश कर इतना बारीक काम किया गया। बौद्ध धर्म का अतीत इतना अतुल्य एवं बृहद है, फिर इतना गौरवशाली इतिहास समय के साथ आखिर कब, क्यों और कैसे धुंधला होता चला गया। पहले नंबर की गुफा के भीतर एक बरामदा है, जिसके किनारे चारों ओर पांच ध्यान साधना कक्षों का निर्माण किया गया है। आठ नंबर गुफा के भीतर तीन ध्यान साधना कक्षों का निर्माण किया गया है। इनके दरवाजों पर किसी तरह की नक्काशी देखने को नहीं मिलती।
साथियों, सम्यक दृष्टि चैनल के माध्यम से हम आप तक बौद्ध धर्म से जुड़े प्राचीन स्मारकों और उनसे संबंधित इतिहास को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए सम्यक दृष्टि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब व कमेंट के माध्यम से अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।